थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बाबा की तिवरिया में 3 दिन पहले हुए दो पक्ष में विवाद में एक वृद्ध की मौत हो गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने 24 घंटे तक वृद्ध का अंतिम संस्कार नहीं किया। वृद्ध की मौत के बाद ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। बाबा की तिवरिया में हुए संघर्ष में नथेलाल पुत्र देशराज की मौत हो गई थी। इस मामले में आगरा से शव लाकर ग्रामीणों ने गांव में रख दिया। रसूलपुर गांव में करीब 24 घंटे तक शव रखा रहने पर पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम बाबा की तिवरिया में 3 दिन पहले हुए दो पक्ष में विवाद में एक वृद्ध की मौत हो गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने 24 घंटे तक वृद्ध का अंतिम संस्कार नहीं किया। वृद्ध की मौत के बाद ग्रामीणों थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। बाबा की तिवरिया में हुए संघर्ष में नथी लाल पुत्र देशराज की मौत हो गई थी। इस मामले में आगरा से शव लाकर ग्रामीणों ने गाँव में रख दिया। रसलपुर गाँव में करीब 24 घंटे तक शव रखा रहने पर पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। इस दौरान एसपी अमरदीप लाल सर्कल के फोर्स के साथ पूरे समय वहां डटे रहे तथा ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने के लिए समझाते रहे। इस दौरान ग्रामीण दूसरे पक्ष द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को खत्म किए जाने तथा थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान भगवान सिंह कुशवा, सांसद पुत्र परमवीर चाहर, विधायक छोटेलाल वर्मा के पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा, राजेश कुशवा समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुशवा समाज की बड़ी संख्या में लोग आसपास से गांव रसलपुर पहुंचना शुरू हो गए। बड़ी संख्या में गांव में लोग पहुंचने के बाद आक्रोश बढ़ता गया। ग्रामीण लगातार थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। जानकारी पर डीएसपी अतुल शर्मा मय फोर्स मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी को हटाए जाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ही ग्रामीण अंतिम संस्कार पर राजी हुए। पीड़ित पक्ष पर लगाए गए मुकदमों का निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। आदरणीय सीपी सर से बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि उसके खिलाफ हटा दिया जाएगा और एक जांच भी बिठाई जाएगी। जो जांच में पूर्ण रूप से जो भी दोषी निकल के आएंगे या निर्दोष निकल आएंगे उसके आगे आधार पर कार्रवाई होगी। सर, ये इनका आरोप है कि झूठा मुकदमा लिख दिया गया है दूसरी तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक दोनों तरफ से मुकदमे लिखे गए हैं। इनका कहना है कि दूसरी तरफ से इनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया उसमें कई तथ्य बड़ा चढ़ा कर लिखे गए हैं और कई चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर बोला गया है। तो इसमें इनको आश्वासन दिया गया कि दोनों जो अभियोग पंजीकृत हैं दोनों तरफ से, उसमें इनको दोनों ही विवेचनाओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसीपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो उसका पर्यवेक्षण करेंगे और ये इसका आश्वासन देते हुए यहाँ पर जो इन्होंने डेड बॉडी रखी थी, अब ये लोग इसका निदान हो गया, सारण हो गया। तो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रखे उसको लेकर विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। झगड़े में काफ़ी लोग घायल हुए हैं। उस पुलिस की लापरवाही ये रही कि मुकदमा तुरंत नहीं लिखा गया और लिखा होते तो ये लोग संतुष्ट होते। बाकी दोनों मुकदमा लिख लिया गया इनका, बाकी जो जांच हुई सही जांच हुई, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया और जो थोड़ा बहुत लापरवाही उन्होंने की है थाना प्रभारी ने, उनको सीपी साहब ने अभी आदेश कर दिया, उनको यहाँ से हटा दिया गया। तो ये उनको उम्मीद थी कि इनके रहते सही जाँच नहीं हो पाएगी, इसलिए इनको हटा दिया जाए, बाकी दूसरे जाएंगे वो जाँच करें। सही जाँच सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पूर्व में जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, मैं क्षेत्र का पदाधिकारी रहा हूँ और मेरे लोकसभा में मैंने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को काफ़ी सहयोग किया था। परम थोड़े दुख का विषय है, थाना प्रभारी थाना फतेहाबाद ने मुझे सहित 23 लोग अन्य इसका 24 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से मुझे मिली और डेड बॉडी यहाँ रखी है और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि फर्जी मुकदमा थाना प्रभारी ने लिख दिया है, थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाए और 24 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा है उसको तत्काल नष्ट किया जाए। ये मेरी मांग है।